हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्विक सक्सेस। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि विद आंसर हम इसमें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सीटेट जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सेक्शन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसके टोटल 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक साइड आपको इंग्लिश मीडियम दिया होगा और दूसरी साइड आपको हिंदी मीडियम में दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। या थर्ड ऑप्शन है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में हो। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें, फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार न हो, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, वे सीखने के लिए तैयार न हो। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, प्रकृति, पोषण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। तो थर्ड का जो सेकंड ऑप्शन है पोषण, ये बिल्कुल सही है। अगला है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसूति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर या क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। तो ये जो बल देता है वो देता है उद्यम के मुकाबले में। अगला है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्कीनर, यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर या लेव वाइगोत्स्की। तो किस से संबंधित है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, लेव वाइगोत्स्की। आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, समिति बनवाते हैं, आपसे जुड़ने वाले किशोर जो विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे, पारंपरिक स्तर पर, पूर्व पारंपरिक स्तर पर, उत्तर पारंपरिक स्तर पर या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले स्तर पर। तो वो होंगे उत्तर पारंपरिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल के प्रवीणता के साथ धीरे मार्ग पर सीधे मार्ग पर चलता है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो जो सेवन क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतर्वैयक्तिक। तो कौन सी की होती है, ये होती है गतिक। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, आनुवंशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो ये है सामान्य बुद्धि। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो वो है वस्तु स्थायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान शिक्षा प्राप्त, विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, क्या छात्राओं को विद्यालय के बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है, ये आपको बताना है। तो ये मदद करता है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है,
अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप से की गई आकलन गतिविधि है। तो 13 का जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, क्या आकलन किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करना, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता रहता है। तो 14 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। आगे चलते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें, यह किस प्रकार की गतिविधि है, निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आकलन या पोर्टफोलियो आकलन। तो ये है पोर्टफोलियो। क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्पेसिया संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक या व्यवहारवादी। तो 18 नंबर का जो आंसर आएगा वो है पर्यावरणीय। रेंजुली प्रतिभागी की अपनी खालिस्तान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, 4 पंक्तीय, 4 स्तरीय, त्रिवर्तीय या त्रिमुखी। तो इसका जो आंसर है वो है त्रिवर्तीय। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 बिल्कुल सही है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है, तो इसमें पद्धति दी गई है, व्यक्ति अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख या वास्तविक रिकॉर्ड, व्यवहार रेटिंग स्केल, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है, संस्कृति और भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना खालिस्तान के लक्ष्य हैं, पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना या वैज्ञानिक पद्धति। तो 24 का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, वैज्ञानिक पद्धति। कक्षा 7 के विद्यार्थी शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे और स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा कहें,
शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि या अस्तित्वपरक बुद्धि। तो आपको इसका आंसर देखना है तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? सबसे कम ध्यान दिया गया संवेग में न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रेरक, व्यक्तिक विशेषक, संवेग या प्रत्यक्षण। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रेरक। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है वो आपको दिखाना है। तो वो है पहले उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार और उत्तेजना में। हम ये बिल्कुल सही है। बेंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? सवचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, सार को दोहराना। तो 30 क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा प्रतिधारण। तो ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सेक्शन के। अब हम चलते हैं SST यानी सोशल स्टडीज की ओर। थर्ड पार्ट है वो आता है सोशल स्टडीज, सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। इसके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 31 से लेकर 90 तक यानी 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। मैथ साइंस वाले बच्चों का दो पार्ट में डिवाइड होता है। 30 मार्क्स का मैथ आता है और 30 मार्क्स की साइंस आती है, लेकिन SST जो आती है वो 60 मार्क्स की आती है। तो चलिए शुरू करते हैं SST का पार्ट, जो कि स्टार्ट होता है 31 नंबर क्वेश्चन से। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से अक्षेत्र थे? नर्मदा के आसपास के, सुलेमान किसर की पहाड़ियां, गंगा यमुना दोआब, दक्कन व कोंकण। तो जो जगह थी वो थी सुलेमान और किसर की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? दक्षिण का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो ये जाना जाता था गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता। वे खालिस्तान में रहते थे। दक्षिणी भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत या उत्तर पश्चिमी भारत। तो किस जगह पर रहते थे? उत्तर पश्चिमी भारत। ऋग्वेद की मूल रचना खालिस्तान भाषा में हुई थी, प्राकृत, संस्कृत, ब्राही या शोरसेनी। तो वो हुई थी संस्कृत भाषा में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? आपको जो नहीं है वो निकालना है। एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, जो कि बिल्कुल सही है। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। जल संसाधनों की खोज के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये गलत है। तो जो गलत वाला हमें आंसर देना है इसमें, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, महापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल। तो जो सबसे लंबा काल था वो था पुरापाषाण काल। खालिस्तान में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उड़ीसा या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे मिली है? वो मिली है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा का स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, सोतकाको, गवेरीवाला या चिरांद। तो जो चिरांद है ये इसका आंसर आएगा, ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। पुरु, यदु और भरत काव्यों में उल्लेख खालिस्तान की तरह है, जन, राष्ट्र, राजन या दस्यु। तो कैसे? इनका जन। अगला है, सफी और अनफी क्या है? इस्लामी वास्तुकला शैलियां, सऊदी अरब में स्थान, न्याय के इस्लामी सिद्धांत या दो इस्लामी शासक। तो क्या थी ये? ये थी न्याय, इस्लाम की जो सिद्धांत न्याय के उसकी दो शाखाएं हैं।
दांती दुर्ग जिसे हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था, वह था चोल राजा प्रतिहार प्रधान राष्ट्रकूट प्रधान या पल्लव प्रधान, तो वो था राष्ट्रकूट प्रधान। यह किसने लिखा कि रजी अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? अलबिरुनी, बदायूनी, मिनाजे सिराज या जियाउद्दीन बरनी? तो ये लिखा था मिनाजे सिराज ने। एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस और सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त या महलवारी बंदोबस्त? तो वो सौंपी गई थी महलवारी जो बंदोबस्त था उसके थ्रू। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर जिसे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? लद्दाख, सुंदरवन, कोंकण या पश्चिमी घाट? तो जो लद्दाख है ये मरुस्थल का उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? ये आपको बताना है। तो वो है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय समतल पर 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। परदीप्ति व्यर्थ क्या है? व्यर्थ जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। व्यर्थ जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। विश्व पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्य रेखा दोपहर 12 बजे सूर्य की किस स्थिति? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, व्यक्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। पारंपरिक रूप से चिन्हित एक खाली स्थान को दर्शाता है, यानी जो ये ए है ये कौन सी दिशा को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है पश्चिम दिशा को। लक्षद्वीप खालिस्तान में स्थित है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या दक्षिणी चीन सागर? तो ये है अरब सागर में। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट खालिस्तान है। एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है या एक उष्णकटिबंधीय पशु है? तो ये है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कोलकाता बंदरगाह खालिस्तान पर या में स्थित है। गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी या भागीरथी नदी? तो ये कौन सी नदी पर है? हुगली नदी। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास खाली स्थान है। बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति या किशम, साल की किशम या बौद्ध भिक्षुक? तो ये है साल की किशम। चित्र प्रस्तुत करता है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सी है, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा या मानसून पूर्व वर्षा? तो 55 का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, चक्रवाती वर्षा। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक लोगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात या इस्पात? तो 56 का जो आंसर आएगा वो है इस्पात। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त और सुरक्षित पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? CNG, PNG, LPG या KG-6? तो इसका आंसर आएगा CNG। बैरोमीटर का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए या समुद्र के स्तर को मापने के लिए? तो ये किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस खालिस्तान में आए। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु या
केरल, तो वो आए केरल। जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु या दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर टू, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? दो, तीन, चार या फिर पांच? तो कितने अंग होते हैं? वो होते हैं तीन। संघवाद से क्या तात्पर्य है? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने वाले राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो इसका जो आंसर है, देश में एक से ज्यादा सरकार का होना। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों के कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो कौन से का हनन होता है? वो होता है स्वतंत्रता के अधिकार का। राज्यसभा में अधिकतम खाली स्थान हो सकते हैं 225 सदस्य, 235, 245 या 260? तो वो हो सकते हैं 245। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियां निहित हैं और प्रदान की जाती हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही है। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्यकारी स्थान है अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना। तो 68 का जो आंसर आएगा वो है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक नहीं है? तो इसका आएगा निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रही है। चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है, कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है? तो इसमें ये चित्र में आपको दिया गया है कि कब पैदावार होती है, कब निराई होती है, प्रतिरोपण और पौध तैयार होती है। इसमें ऑप्शन में पूछा है 3 माह, 4 माह, 5 माह और 6 माह। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 5 माह। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, खाली स्थान कहा जाता है, स्वाकलन, समाजमितीय तकनीक, केस अध्ययन, जनमनोमितीय तकनीक? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? अभिसारी, उत्पादक, मनन या निगमन? तो वो है उत्पादक। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद है? तो वो है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उसकी सर्वाधिक समर्थन कार्य नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारीता, शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण? तो वो करेंगे नाटक। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पर आपको टिक करना है, तो वो ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र खाली स्थान पर बल देता है, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन या परीक्षा के इसमें बैठने की लचीली व्यवस्था? तो वो बल देता है सतत आकलन पर। अगला है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? गौण, वर्णनात्मक, क्लिनिकल केस अध्ययन, प्राथमिक आंकड़े? तो जो 77 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर। अगला क्वेश्चन है, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया खाली स्थान कही जाती है, विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन, मस्तिष्क, आलोचन? तो ये आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर थ्री, निगमन। क्वेश्चन है, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है?
परवा संचित्र दंड आरेख आवर्ती बहुभुज या वेन आरेख। तो इसका जो आंसर है वो है दंड आरेख। समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस प्रकार परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया जाता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी या रचनावादी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो जो सबसे अधिक है वो है शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक किराए को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। क्षमता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी, यह आपको बतानी है। तो इसका और गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा, परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना या निबंध पढ़ना? तो 84 का जो आंसर आएगा वो है समूह चर्चा। शिक्षार्थी के व्यवहार से के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिव्यक्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल है, ये आपको बताना है। तो शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो वो कहता है ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करता है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। तो 88 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं, मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हुई हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है? 89 का जो आंसर आएगा वो है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। लास्ट क्वेश्चन है सृष्टिका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है, शिक्षार्थियों को अलग करना, पर कार्यात्मक बुद्धि परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान? तो ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमने अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया वो सितंबर 2014 में सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया गया सीटेट का लेवल 2 का पेपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।